आज बनाएंगे हम चॉकलेट और दूध से एक डेजर्ट। जो खाने के बाद आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तब आप ये खाएगा तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो आपके पास चॉकलेट और दूध है तो आप इसे फटाफट जल्दी बना लीजिए। सबको घर में पसंद आएगा, बच्चों को तो खास करके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक पैन लिया है, उसमें एक कप दूध डाला है। ये कप 250 ml वाला है, तो 250 ml दूध है। ये कच्चा वाला दूध है, उबला हुआ नहीं है। उसके अंदर एक छोटी चम्मच अगर अगर पाउडर जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा वो डाला है। 3/4 कप चीनी डाली है और इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। यहाँ पे गैस की आंच हमें बिल्कुल धीमी रखनी है और इसे लगातार हमें चलाते रहना है, वरना क्या होगा कि ये नीचे चिपक जाएगा दूध। तो लगातार इसे चलाते जाइए जब तक इसमें अगर अगर पाउडर और चीनी घुल ना आ जाए दूध में, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। चीनी और अगर अगर पाउडर दूध में मिल गया है अच्छी तरह से, तो उसके बाद यहाँ पे वाइट चॉकलेट कंपाउंड डाला है। 150 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड है, ये भी अभी मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये मैंने मोर्डे कंपनी का यूज़ किया है। उसके बाद चॉकलेट और दूध को मिलाएंगे जब तक इसमें जो चॉकलेट कंपाउंड है वो पिघल ना जाए, तब तक इसे मिक्स करना है। और यहाँ पे आप गैस की आंच थोड़ी मीडियम कर दीजिए और इसे हमें उबालना है 3-4 मिनट तक, जब तक इसमें चॉकलेट पिघल ना जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो थोड़ा सा दूध भी खोल चुका है तो गैस बंद कर देंगे और इसे हम गैस से नीचे उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक केटली लिया है, आप कोई भी बाउल ले लीजिए स्टील का, उसके अंदर भी आप इसे डाल सकते हो। तो केकटिन के अंदर मैंने इसे पोर कर दिया है और इसे हम रखेंगे फ्रीज में 3 से 4 घंटे के लिए, छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसका सेकंड लेयर डार्क चॉकलेट वाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने 250 ml दूध लिया है, ये भी कच्चा वाला दूध है और कप में नापे तो ये 1 कप है। उसके बाद 3/4 कप चीनी डाली है, 1 छोटी चम्मच अगर अगर पाउडर डाला है। इसे भी मिक्स कर देंगे और चलाएंगे, और जब तक इसमें चीनी घुल ना जाए, अगर पाउडर घुल ना जाए, तब तक इसे हम पकाएंगे। यहाँ पे गैस की आंच धीमी रखेंगे। जो चीनी और अगर अगर पाउडर है दूध में मिल चुका है, तो उसके बाद डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, ये भी 150 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और जब तक दूध और चॉकलेट कंपाउंड है एक समान ना हो जाए, तब तक इसे हम चलाएंगे और इसे भी हम 3-4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे हम बॉईल करेंगे। यहाँ पे आप गैस की आंच मीडियम कर सकते हो, देख सकते हो कि चॉकलेट कंपाउंड की वजह से ये दूध का इतना कलर डार्क आया है और ये खाने में भी इतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि चॉकलेट होती है तो कोई भी डेजर्ट का जो टेस्ट होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो बहुत बढ़िया ये डेजर्ट आप बनाओगे तो आप हर रोज़ आप इसे चाहोगे खाने के लिए, तो आप जब भी ये ख़त्म हो जाएगा आप तुरंत इसे बना लोगे, इतना एक टेस्टी एंड क्रीमी बनता है। ज़रूर एक बार इसे ट्राई करना। तो देखते देखते आप जो देख सकते हो कि ये दूध है और चॉकलेट कंपाउंड भी गाढ़ा हो चुका है, तो गैस हम बंद कर देंगे और जो हमने वाइट चॉकलेट वाला जो लेयर तैयार किया था वो भी फ्रीज में अच्छी तरह से फ्रीज हो चुका है। आप देख सकते हो कि उंगली में भी नहीं चिपक रहा है। तो उसके ऊपर हम गरम गरम ही ये डार्क चॉकलेट वाला जो लिक्विड है वो पोर कर देंगे और इसे भी हम फ्रीज में 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे।
4 घंटे के बाद जो ये हमारा डेजर्ट है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, तो इसे हम इस केक टिन में से डिमोल्ड करेंगे। तो चाकू की मदद से उसके किनारे को थोड़ा सा छुड़ा लीजिए, उसके बाद केक टिन को एक प्लेट या इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर उल्टा करके थोड़ा सा ऊपर से टैप करेंगे तो वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। एकदम क्रीमी सॉफ्ट एंड स्मूथ वाला ये हमारा जो डेजर्ट है चॉकलेट डेजर्ट एकदम रेडी है खाने के लिए। इसे कट कर दीजिए टुकड़ों में और इसे सर्व करिए एंड एन्जॉय करिए। आइसक्रीम के बिना ही आप कोई डेजर्ट खाना पसंद करते हो तो आप ये ज़रूर घर में ट्राई करना। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और आपके घर में कोई गेस्ट आया हो तो आप उनको भी सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।